আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার সম্মেলনে মহিলাদের যোজনা চালু নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারোলা। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে এক বেসরকারি ভবনে জেলা বিজেপির মহিলা মোর্চার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় বিজেপি মহিলা মোর্চার সহসভাপতি মালতি রাভা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারোলা, সহ জেলা বিজেপির সভাপতি ভূষণ মোদক, সহ এক ঝাঁক বিজেপির জেলা নেতৃত্ব। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জন বারোলা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের জন্য প্রচুর যোজনা করেছে, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই যোজনাগুলোকে রাজ্যে লাগু করছে না, যার ফলে মহিলারা অত্যাচারিত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মহিলারাই রুখে দাঁড়াবে। একই সঙ্গে তিনি এও বলেন, 100 দিনের কাজের পাওনা টাকা তখনই পাওয়া যাবে যখন রাজ্য সরকার টাকার হিসেব সঠিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি মহিলা মোর্চাকে প্রথম সারিতে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে চলেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তাই আমরা আজকে কি দেখতে পাচ্ছি যে বাংলায় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, মহিলাদের কোন নিরাপত্তা হয়েছে, শক্তি পঞ্চায়েত নির্বাচনে 50% আমাদের সংরক্ষিত আছে। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है और महिला के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसीलिए महिला सब परेशान होकर दिन रात आप लोग का सोशल मीडिया में देख के है ना, जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसी का गोलबंद हो रहा है कि महिला को जो चीज हक मिलना चाहिए, महिला को जो सरकारी सुख सुविधा मिलना चाहिए, उस चीज से महिला सब वंचित है। इसीलिए महिला सब पंचायत को जो सुविधा मिलना चाहिए महिला सबको, ये चीज नहीं मिल रहा है। इसीलिए महिला अब महिला के साथ लड़ाई निकलने के लिए महिला ही तैयार हो रही है, महिला खुद तैयार हो रही है। आप लोग देख रहे हैं कि अलीपुर में क्या हो रहा है, क्योंकि आज तक कोई महिला के लिए कोई योजना नहीं बनाई है। योजना बना है तो वो अभी ग्रास रूट तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हमारा महिला सब गोलबंद हो रहे हैं, यूनाइटेड हो रहे हैं और वो आवाज उठा रही है कि किस तरह से महिला का ऊपर अत्याचार हो रहा है। अत्याचार क्या हो गया, सरकारी सुख सुविधा जो मिलना चाहिए ये तो अत्याचार है ना, इनडायरेक्टली तो अत्याचार है। केंद्र सरकार मोदी सरकार इतना सारा योजना बनाए हैं महिला के लिए, तो ये इन चीजों से वंचित है। इसीलिए महिला सब आक्रोश पैदा हो रहा है कि हमें जो चीज मिलना चाहिए वो चीज से हम वंचित क्यों है। इसीलिए महिला मोर्चा सब अभी आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आक्रोश पैदा हो रहा है, पंचायत का सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, कहीं पर नहीं मिल रहा है। अरे 100 दिन का रोजगार ये तो मिलना चाहिए, केवल ये टीएमसी करने वाला को मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास टीएमसी करने वाला को मिलेगा और बाकी महिला को बाकी पार्टी वाला को नहीं मिलेगा, ऐसा क्या है। प्रधानमंत्री तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और केंद्र सरकार से करोड़ों रुपया योजना के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उस योजना को तो हम ग्रास रूट में इम्प्लीमेंट होने नहीं देख रहे हैं। पश्चिम बंगो का जो महिला लोग है वो जागृत हो रहा है, आप तो देख ही रहे हैं, तो मुझे क्या बताने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से गोलबंद है, इतना सैकड़ों हमारा महिला सब एकत्रित हो,